जबलपुर संस्कार धानी की जीवनदायिनी माँ नर्मदा निश्चित रूप से विगत 4-5 वर्षों से यहाँ पर हरिद्वार की तर्ज पर जो माँ नर्मदा जी की आरती हो रही है, जबलपुर संस्कार धानी में बहुत उत्साह के साथ इस आरती में लोग सभी लोग और भक्तजन आते हैं। माँ नर्मदा जी ऐसे नहीं है कि वो कभी वक्त धर्म और संप्रदाय में विभाजित होती है। निश्चित रूप से वो अगर जल के रूप में हमें जीवन देती है तो निश्चित रूप से हमें उसका संरक्षण भी करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको प्रदूषित ना करने की भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी के लिए नगर निगम जबलपुर द्वारा कई अभियान भी चलाए जाते हैं और निश्चित रूप से उसके लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट का भी हमने यहाँ पर रखा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट एक बना हुआ है और 4 लाख लीटर की लागत पेज से नर्मदा प्रदूषण जल प्रदूषण का एक प्लांट बनाया गया है। अब जो भी शहर का प्रदूषित पानी है जो नर्मदा जी में मिलता है परंतु वो फिल्ट्रेट हो करके यहाँ पर पानी मिलेगा। निश्चित रूप से माँ नर्मदा जी को प्रदूषण रहित बनाने का हम लोग की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो हम पूर्ण करने के लिए सभी श्रद्धालुओं से भक्तों से हमेशा से अपील करते आ रहे हैं और उसी तर्ज पर नर्मदा जी के लिए सभी भक्तजन चिंतित भी है और उसी के लिए आज ये आरती का जो आयोजन है विगत 4 वर्षों से हो रहा है अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। और माँ नर्मदा जी के लिए कहूँगी कि गंगा की पान से यमुना गंगा के स्नान से यमुना के पान से और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से सभी पापों का हरण होता है। इसीलिए माँ नर्मदा जी के प्रति हम सभी लोग अत्यंत संवेदनशील हैं। बहुत बहुत